नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन जयपुर से सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली कैंट के लिए रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देश की 15वीं वंदे भारत का रेगुलर संचालन 13 अप्रैल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच किया जाएगा। इसके लिए IRCTC ने बुकिंग स्टार्ट कर दी है। राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने अजमेर से दिल्ली कैंट तक राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 12 अप्रैल को गाड़ी संख्या जयपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा जयपुर से 11 बजे रवाना होकर 4 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा मार्ग में गांधीनगर, जयपुर, बस्सी, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, खैरथल, रेवाड़ी, पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू और गुड़गांव स्टेशनों पर ठहरेगी। अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत का नियमित संचालन 13 अप्रैल से किया जाएगा। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 13 अप्रैल से सप्ताह में 6 दिन अजमेर से 6:20 पर रवाना होकर 7:50 पर जयपुर पहुंचेगी। ये अलवर 9:35 पर, गुड़गांव 11:15 पर और रात 11:35 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 13 अप्रैल से सप्ताह में 6 दिन चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों में स्थित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए क्विज, ड्राइविंग, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें विजयी रहे 500 से अधिक छात्र छात्राओं को उद्घाटन स्पेशल वंदे भारत ट्रेन में निःशुल्क यात्रा करने का अवसर दिया गया। ये पहला ऐसा मौका था जब विद्यार्थियों को मुफ्त में यात्रा कराई गई। IMF के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। IMF ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। हालांकि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया गया है। वैश्विक निकाय ने अपने वार्षिक विश्व आर्थिक परिदृश्य में 2024-25 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। इससे पहले जनवरी में अनुमान जताया गया था कि आंकड़ा 6.8% होगा। चालू वित्त वर्ष में 5.9% की वृद्धि दर की तुलना में 2022-23 में वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान है। IMF का वृद्धि अनुमान RBI के अनुमान से कम है। RBI के मुताबिक 2022-23 में वृद्धि दर 7% और चालू वित्त वर्ष में 6.4% रह सकती है। सरकार ने 2022-23 के लिए अभी GDP की वृद्धि दर के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। IMF के एशिया और प्रशांत विभाग की उपनिदेशक एनी मैरी गुल्जे वुल्फ ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सबसे तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था बनी हुई है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 6 वर्षों से बंद पड़ी हॉकी इंडिया लीग अगले वर्ष की शुरुआत में होने की उम्मीद है। हॉकी इंडिया ने लीग के लिए व्यावसायिक और विपणन साझेदारियों की घोषणा की है। आर्थिक कारणों के कारण लीग 2017 में बंद हो गई थी, लेकिन अब हॉकी इंडिया लीग को शुरू करने के लिए नए साझेदारियों को जोड़ने में जुटी हुई है। हॉकी इंडिया के सूत्रों का कहना है कि हम जल्द से जल्द लीग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अगले वर्ष फरवरी तक लीग के लिए खाली समय नहीं है। तब तक हमारे पास लीग शुरू कराने के लिए काफी समय है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिटकी का कहना है कि उन्हें आज काफी राहत महसूस हो रही है क्योंकि हॉकी इंडिया लीग शुरू कराना उनकी उच्च प्राथमिकता में है। अगले साल मार्च के महीने में ये लीग हो सकती है क्योंकि फरवरी तक समय नहीं है। मार्च में भी समय नहीं मिलने पर आने वाले महीनों में इसका आयोजन किया जा सकता है। ये लीग 2013 में शुरू की गई थी और इसके बाद अब तक 5 सीजन हुए हैं। रांची की टीम 2 बार खिताब जीत चुकी है। हालांकि 2013 में पहला सीजन जीतने वाली टीम रांची रिनोज अब लीग से हट चुकी है और 2015 में रांची रेश ने खिताब जीता था।
2014 में दिल्ली, 2016 में पंजाब और 2017 में कलिंगा की टीम ने खिताब जीता। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के निवेश वाला ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस अपने एग्रीकल्चरल ड्रोन्स के लिए एग्री सब्सिडी हासिल करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है। ये सब्सिडी एग्री ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का पहला हिस्सा है। इसके अलावा ये सब्सिडी गरुड़ एरोस्पेस को ऑपरेशंस का विस्तार करने और अपने ड्रोन को भारत में किसानों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेगी। 11 अप्रैल को पुणे में सब्सिडी स्कीम के तहत 8 किसानों को DGCA अप्रूव्ड करोड़ किसान ड्रोन दिए गए। एग्री ड्रोन सब्सिडी कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत सरकार ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देगी। स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी सभी के लिए अलग अलग है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR को 100 कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR के तहत 75 संस्थान और 25 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बड़े पैमाने पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेमोंस्ट्रेट करेंगे। इसके लिए 52.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों को भी 70.88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से ड्रोन का डेमोंस्ट्रेशन और किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। पिछले साल नवंबर 2022 में धोनी ने गरुड़ एरोस्पेस के स्वदेशी प्रोडक्ट किसान ड्रोन को लॉन्च किया था। बीते साल दिसंबर में एक कंपनी एक्टोलाइट ने वीडियो जारी कर ये दावा किया कि अगर किसी महिला को गर्भाशय नहीं है या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से इसे निकलवाना पड़ा तो टेंशन की बात नहीं है। इसके बावजूद ऐसी महिलाएं मां बन सकेंगी, क्योंकि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल यूट्रस तैयार किया गया है, जिसमें पलने वाला बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में 9 महीने गुजारेगा। अगर कोई पुरुष भी इनफर्टिलिटी से पीड़ित है तो भी उसकी पत्नी मां बन सकेगी। बच्चे को कोख में पालने का झंझट नहीं रहेगा। दरअसल कंपनी का कहना है कि उसने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल यूट्रस यानी कृत्रिम कोख तैयार की है, जिसमें पलने वाले बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में 9 महीने गुजारेगा। कंपनी की यह तकनीक है आर्टिफिशियल यूट्रस फैसिलिटी। सबसे पहले लैब में पुरुष के स्पर्म और महिला के एग को मिलाया जाता है। इसके बाद इसे ग्रोथ पॉड में रखा जाता है, जहां ये मशीन किसी गर्भ की तरह काम करती है। महिला की बच्चेदानी की तरह ही इस कृत्रिम गर्भ में भी एमनियोटिक फ्लूइड डाला जाता है, जिसमें बच्चा 9 महीने तक रहता है। बच्चे के पैदा होते ही उसकी देखभाल कैसे की जाए या वो बहुत रो रहा है तो क्या किया जाए, कुछ बड़ा होने पर उसे खाने के लिए क्या दिया जाए, या फिर बच्चे की माँ अपने खान पान का ध्यान कैसे रखे जिससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध मिल सके। अब सवाल उठता है कि ये जननी कौन है। ये कोई ऐप नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है जो नई पीढ़ी में माँ बाप बनने वालों और न्यूक्लियर फैमिली के लिए दोस्त से लेकर बुजुर्ग दादी नानी या माँ की भूमिका भी निभाता है और यंग मॉम की मदद करता है। कई दशकों से वैज्ञानिक सॉफ्ट रोबोट डेवलप करना चाहते हैं। ये रोबोट उस जीव से प्रेरित है जिन्हें अमूमन किसी काम का नहीं समझा जाता, यानी बिना रीढ़ के अर्थवॉर्म्स। हालांकि अर्थवॉर्म्स की खूबियां अपने आप में काफ़ी अनूठी हैं। ये मिट्टी में काफ़ी अच्छी खुदाई कर सकते हैं और आसानी से कहीं भी घुसकर मुड़ सकते हैं। स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की रिसर्चर एल्सा अरेज़ोला कहती हैं कि अर्थवॉर्म्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। अर्थवॉर्म्स कुछ ऐसे काम करते हैं जो अभी मशीन भी नहीं कर सकती। यही वजह है कि रोबोटिक्स केंचुए विज्ञान, रक्षा, चिकित्सा, कृषि जैसे कई क्षेत्रों में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सॉफ्ट रोबोटिक्स ग्रुप के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो केंचुए की तरह सरक सरक कर चलता है। IIT की मैकेनिकल इंजीनियर रिति दास कहती हैं कि ये डिज़ाइन काफ़ी अनूठा है। इसमें रोबोटिक केंचुए को आगे बढ़ने और पीछे सरकने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनका बनाया रोबोटिक केंचुआ आकार में हल्के डंबल की तरह है। इसमें जेल भरा हुआ है जो इसके मूवमेंट में मदद करता है। अमेरिका की नोटरडेम यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यास्मीन कहती हैं कि IIT ग्रुप का ये इनोवेशन रोबोटिक्स की दुनिया के लिए अहम है। GE के मैकेनिकल इंजीनियर दिलीप त्रिवेदी कहते हैं कि रोबोटिक केंचुए बहुत अच्छी सुरंग खोज सकते हैं। उन्हें GE के बनाए लगभग 10 सेमी व्यास वाले रोबोट के लिए काफी संभावनाएं नजर आती हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।